नमस्कार दोस्तों, आराध्या की रसोई में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब आप लोगों के सामने एक नई डिश लेकर आए हैं, जिसका नाम है जीरा फ्राइड सिंगाड़े की चाट। वैसे तो आप लोगों ने सिंगाड़ा कई तरीके से खाया है, कच्चा खाया होगा, बॉयल करके खाया होगा। वैसे भी सिंगाड़ा बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बट हम जो जिस तरीके से हम जो आज रेसिपी बना रहे हैं वो थोड़ी अलग है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन हमारा आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों के शेयरिंग बहुत कम है, सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा कोई भी डिश को बनाकर दिखाने का। इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया हमारे जो डिशेस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये डिश कैसे बनती है, जिसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसे गरम करेंगे। ये करने रख दिया है। ये देखिए, ये हमने सिंगाड़े लिए हैं जो हमने बॉईल कर दिए हैं। बॉईल करने के बाद हमने इनको अच्छे से छील के रख दिए। देखिए इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, इन्हें ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है, बिल्कुल मीडियम मीडियम रखना है। उसके बाद हमने ये देखिए, इसके लिए जो सामान तैयार किया है वो है कटा हुआ धनिया, कटी हुई अदरक, 5 से 6 हरी मिर्चा और काली मिर्च जो ली है और नींबू, ये हम इस चाट में सब ऐड करेंगे। वो हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे बनती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जिसके लिए हमने ये कढ़ाई गरम कर ली है, अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसको गरम करने के लिए रख देंगे। तो गाइस, अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये हमने काली मिर्च को पीस लिया है, दरदरा सा हमने पाउडर टाइप का बनाया है इस तरीके से। अब हमने इसमें ये डाल दिया है। ये देखिए, काली मिर्च का जो स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें अलग ही फ्लेवर आता है काली मिर्च का। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं। जो कसूरी मेथी की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, और इससे एक अलग ही वो, मतलब जो हमारी चाट है उसका जो स्वाद है उसमें और भी 4 चांद लग जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऑलमोस्ट हमारी चाट तैयार है। अब हमारी चाट तैयार हो गई है। अब हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बहुत ही कम समय में ये चाट बनके तैयार हो जाती है, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने जो घर के मसाले हैं उसी से ही हम ये चाट तैयार करते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे इस तरीके से। देखिए लास्ट में आप लोग इसमें हरा धनिया डाल दीजिएगा। चाट, अब हम इसमें डालेंगे नींबू। ये देखिए, अब हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, ये चाट हमारी थोड़ी खट्टी मीठी टाइप की लगेगी। ज्यादा नहीं, बिल्कुल आधा नींबू, एक नींबू का आधा हिस्सा ही आप डालिएगा। इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी चाट पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है।
अगर आप लोगों को हमारी डिशेस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे आगे आप लोगों के सामने कोई भी डिश लाने का और आप लोगों से शेयर करने का। धन्यवाद।